हालेलुया। एक बात, एक अनुग्रह आप परमेश्वर से आज मांग के जाएं। याद रखें, परमेश्वर आपके जीवन में वो काम नहीं कर पाएंगे जिसके विषय में आपका दर्शन नहीं है। यदि आप बीमार हैं, अपने आप को देखना शुरू करें दर्शन में, यानी सपने में, यानी कल्पना में कि परमेश्वर आपको चंगा। और यदि आपके अंदर पवित्र आत्मा वो दर्शन को डालता है तो याद रखें, आपकी बोली उस दर्शन के अनुसार होनी चाहिए, आपका चलना उस दर्शन के अनुसार होना चाहिए, आपका देखना उस दर्शन के अनुसार होना चाहिए, खाना पीना और बात करना आपका उस दर्शन के अनुसार होना चाहिए। यदि आप गरीब हैं, गरीबों की तरह बात करते हैं, गरीबों की तरह चलते हैं, गरीबी आपको छोड़ के नहीं जाएगी। याद रखिए, आप और मैं विश्वास से चलने वाले इंसान हैं। यदि आप पवित्र आत्मा ने दर्शन डाल दिया कि आपकी गरीबी जल्द दूर होने वाली है, अपने आप को एक अमीर व्यक्ति की तरह देखना शुरू कर दें, अमीर व्यक्ति की तरह चलना शुरू कर दें, अमीर व्यक्ति की तरह बोलना शुरू कर दें। गरीबी को छोड़ के जाना पड़ेगा और अमीरी को आना पड़ेगा। यदि आपका अंगीकार नहीं बदला, आपकी परिस्थितियां जरूर बदलेंगी। आज आप प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा आपके हृदय में वो चीज डाल दे जिसके लिए आप प्यासे हैं, जिसके लिए आप मांग रहे हैं, जिसके लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, वो चीजें जो असंभव है। एक दर्शन रखें, एक कल्पना रखें कि वो आपके जीवन में पूरी हो रही है। अपने अंगीकार को वैसा कर लें, अपने चलने फिरने को वैसा कर लें, पाप से बच के रहें, परमेश्वर के करीब जाएं और वफादारी के साथ अपने जीवन को बनाना शुरू कर दें। जल्द जल्द आपका अंगीकार आपके सामने होगा, जल्द आपका अंगीकार आप टेस्ट करेंगे। हालेलुया। प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा आपके अंदर दर्शनों को डाल दें। कोई मायने नहीं करता आपकी बीमारी लाइलाज है या डॉक्टर आपको क्या कहते हैं, कोई मायने नहीं करता आपका कर्जा आपको क्या कहता है। क्या आप विश्वास करते हैं कि प्रभु आपसे क्या कहते हैं? यदि आप विश्वास करते हैं कि इस समय परमेश्वर का आत्मा आपको क्या कह रहा है, अपने विश्वास के अनुसार अपनी बोली को कर लें, क्योंकि वो विश्वास अधूरा है, वो विश्वास जीरो है, वो विश्वास किसी भी काम का नहीं जो विश्वास के साथ आपका अंगीकार नहीं बदलता। यदि आप विश्वास करते मैं अमीर हूं लेकिन आपका अंगीकार गरीबों जैसा है, तो ये एक थोथा यानी एक गलत यानी एक अधूरा विश्वास है। पवित्र आत्मा आपके हृदय में, आपके दिल में, आपके दिमाग में एक कल्पना को, एक दर्शन को डाल देगा। जो चीजें असंभव हैं आप देखेंगे वो संभव हो रही हैं, और परमेश्वर को अपना जीवन दें, वफादारी के साथ चलना शुरू कर दें और अपने जीवन को समर्पित कर दें, अंगीकार को सही कर लें। अंगीकार आपके जीवन में आप टेस्ट करेंगे, उसको आपने अपने जीवन में आप पूरा होता हुआ देखेंगे। या तो आपकी परिस्थितियां बदलेंगी या अंगीकार बदलेगा। आप पे चुनाव है, आप अपनी परिस्थितियों को बदलता हुआ देखना चाहते हो या अपना अंगीकार बदलता हुआ देखना चाहते हो। अब यीशु मसीह ने कुछ नहीं करना, वो क्रूस पे चढ़ चुके, कोड़ों को खा चुके, सब कामों को खत्म कर दिया। अब आप पर है, खत्म किए कामों पे विश्वास करना आपके जीवन में चंगाई को लेके आएगा। हालेलुया।